हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया की तरफ से। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ और इस वीडियो में मैं साइकोलॉजी को कवर करूँगा और जो थ्योरी हम डिस्कस करेंगे वो है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ कि लर्निंग होती क्या है, मतलब हम लोग क्या इससे हमारे माइंड में आइडिया क्या आता है। तो एक बार यही देख लेते हैं। फर्स्टली वी थिंक अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग का प्रोसेस क्या होता है। हम एक बार को अपने माइंड में सोचते हैं, देन वी थिंक हाउ डू वी लर्न, कि हम कैसे सीखते हैं। और हमारे मन में कई बार आइडियाज़ आते हैं कि हाउ डज अ गर्ल लर्न टू कुक द फूड, कि एक लड़की खाना बनाना कैसे सीखती है और क्या वो एक ही दिन में सीख जाती है। और कई बार हम ये भी, अगर कहीं आ जा रहे हैं रास्तों में, अगर हमें कोई टेलर दिख गया, हुई स्विंग द क्लॉथ्स, यानी कि जो कपड़े सिल रहा है, तो वहाँ भी हमारे मन में आइडियाज़ आते हैं कि क्या इस टेलर ने एक ही दिन में कपड़े सिलने सीख लिए होंगे, या इसने कैसे लर्न किया होगा, कितना बेटर वो में ये सिल रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं और ये सारे लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो मैं आज का सेशन एक छोटी सी स्टोरी के साथ में स्टार्ट करना चाहूँगा, एक स्टोरी सुनाऊँगा आपको। तो जो स्टोरी है वो एक लड़की के ऊपर है जो फोर्थ क्लास का बच्चा है। फोर्थ क्लास के बच्चे इनोसेंट होते हैं ना, ज़्यादा उनमें आउटसाइड का इतना उनको कुछ पता भी नहीं होता। तो वो बच्चा क्लास में बहुत एक्टिव रहता है, पढ़ाई में भी काफ़ी एक्टिव है वो, और सबसे बेस्ट थिंग वो अपनी फैमिली की बातें मानता है, अपनी टीचर्स की बातें मानता है, ये सारी चीज़ें वो करता है। तो होता क्या है कि एक बार उसकी क्लास में एक कॉम्पिटिशन हुआ था, तो क्लास के कॉम्पिटिशन में उसने पार्टिसिपेट किया, उसे बहुत मज़ा आया, उसने वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। इसके बाद उसे उस चीज़ का ऐसा जुनून सवार हुआ कि कहीं भी अगर कुछ भी कोई भी कॉम्पिटिशन हो रहा होता वो वहाँ पे ज़रूर पार्टिसिपेट करता। वहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर कंपटीशन की बात करें तो रिवार्ड्स मिलते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड को जो आते हैं, तो वो रिवार्ड्स के लिए नहीं जाता था, वो सीखने के लिए जाता था। तो वो जो बच्चा था उसके अंदर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा जुनून था, वो था सीखने का। वो सीखने को लेके इतना ज़्यादा कीन था कि वो कुछ भी कर सकता था, वो कहीं भी जाता था सीखने के लिए, बट उसे नई नई चीज़ें सीखनी होती थी। तो कहीं ना कहीं है कि लर्निंग का बहुत बड़ा प्रोसेस है कि अगर उस बच्चे को देखो, क्या उसने एक दिन में ही ऐसा सीखा और लर्निंग में उसे मज़ा आया, अगर उसे उसमें जॉयफुल लगा तभी वो सीख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो हमारा थ्योरी है थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो पहले हम देख लेते हैं कि मेनी साइकोलॉजिस्ट हैव ट्राई टू परफॉर्म एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक हो गए, पैब्लो हो गए, स्पिनर हो गए, कोलबर्ग हैं, बहुत सारे हैं। उसके बाद प्याजे जी भी हैं हमारे, वाइगोत्स्की जी हैं, सब ने कहीं ना कहीं से इन्होंने कोशिश किया है अपने अपने एक्सपीरियंस को परफॉर्म करने के लिए। तो हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो उन्होंने काफ़ी ट्राई किया। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं इनमें से जो सबसे बेस्ट हैं वो हैं द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ थ्योरीज आर एडवर्ड्स एल थॉर्नडाइक। अगर कभी क्वेश्चन आता है सीटेट में कि थॉर्नडाइक जी का पूरा नाम क्या है, तो थॉर्नडाइक जी का पूरा नाम आप देख लीजिए। थॉर्नडाइक सर का पूरा नाम है एडवर्ड्स एल थॉर्नडाइक। और अगर बात करें कि ये इनका जन्म कब हुआ था, तो ये भी ऑब्वियसली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1874 में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1949 में हुई थी। तो ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी मैटर करती हैं। तो ये जो थ्योरी है एक बार दोबारा देख लेते हैं। द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरीज आर एडवर्ड आर थ्योरीज आर एडवर्ड एल थॉर्नडाइक 1874 to 1949 हैज़ गिवन बेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। यानी कि इन्होंने जो थ्योरी दी है लर्निंग की, सबसे बेस्ट थ्योरी है। और आ जाइए एक बार इनकी, इनका एक बार फेस देख लेते हैं कि हमारे थॉर्नडाइक सर दिखते कैसे थे। तो ये है हमारे थॉर्नडाइक सर, आप ये देख सकते हैं, ये हमारे थॉर्नडाइक सर हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, इनका जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर का, ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी इन्होंने हमें बताई है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट इतना इजी है, आप उसे कहानी के वे में अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो एक बार हम एक पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं, फिर इनका एक बार एक्सपेरिमेंट हम पूरा एक बार देखेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंट है आप देख सकते हैं, इन्होंने एक कैट को एक बॉक्स के अंदर रखा, एक पजल बॉक्स है, उसके अंदर एक कैट को इन्होंने रखा है, वहाँ पर एक लैच लगा दी है और ये बॉक्स है हमारा पूरा। आउटसाइड में इन्होंने एक फिश रखा है और ये डोर है, ये डोर इस जो लैच है इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, और अगर ये लैच को दबाया जाएगा तभी ये डोर ओपन होगा, अदरवाइज नहीं ओपन होगा। तो देखते हैं कि बाकी क्या है एक बार पूरा इनका।
तो एक बार पहले थोड़ा सा देख लेते कि इन्होंने और किसी जानवर पर भी एक्सपेरिमेंट किया था या फिर थाउंडेक्स ने सीधा कैट पे ही एक्सपेरिमेंट किया था। तो इनका देखते हैं, ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन चिकेन्स रैट्स एंड कैट्स। इन्होंने यानी कि चिकन पे और चूहों पे और बिल्लियों पे भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायल एंड एरर थ्योरी देन ही हैज़ डन द एक्सपेरिमेंट ओनली ऑन कैट, जो चीज़ हम इस पिक्चर में भी देख चुके हैं। तो अब देखते हैं हम इसकी पूरी कहानी क्या है, ये जो कैट को रखा गया पजल में, तो इसको कैट को पजल में बॉक्स में रखने के बाद क्या हुआ था, पूरी कहानी को देख लेते हैं, फिर इसका मैं आपको सिनॉप्सिस बता दूंगा। तो ये है, ही पुट अ हंग्री कैट इन अ पजल बॉक्स। इन्होंने एक पजल बॉक्स में एक हंग्री कैट को रखा एंड देयर वाज ओनली वन डोर फॉर एग्जिट विच कुड बी ओपनड बाई करेक्टली मैनिपुलेटिंग द लैच। यानी कि अगर वो तभी ओपन होता डोर, एग्जिट डोर, जब जो लैच था इसे अगर ढंग से मैनिपुलेट किया जाए या ढंग से इसे खींचा जाए तभी ये डोर जो था वो ओपन होता। तो आगे देखते हैं, अ फिश वॉज प्लेस्ड आउटसाइड द बॉक्स, जैसे कि एक फिश रखी गई है आउटसाइड के बॉक्स के, एंड कैट वॉज ट्राइंग टू गेट द फिश बट सी वॉज अनेबल टू कम आउट। फिश जो थी वो हंग्री थी, और अगर हंग्री है चाहे वो इंसान हुआ या फिश हुआ तो खाने के लिए कुछ भी करता है। तो जब कैट ने फिश को देखा तो वो खाने के लिए बहुत तड़प रही थी, उसने काफ़ी कोशिश की आउटसाइड आने की बट वो नहीं आ पाई क्योंकि उससे गेट नहीं खुला। एंड आफ्टर द लॉन्ग टाइम सी पुश द लैच एंड गेट गॉट ओपनड। यानी कि उस पूरे बॉक्स में काफ़ी कोशिश करती रही, कभी वो इधर जाती कभी उधर जाती, अचानक उसका जो हाथ था वो लैच पे लगा और गेट खुल गया एंड सी केम आउट एंड एट द फिश। और वो बाहर आ गई और उसने फिश को खा लिया। और थॉर्नडाइक डिड सेवरल टाइम्स द सेम एक्सपेरिमेंट एंड ही फाइंड कैट इज़ गेटिंग द फूड इन वेरी शॉर्ट टाइम नाउ। और थॉर्नडाइक सर ने इसी एक्टिविटी को यानी कि इसी एक्सपेरिमेंट को अगेन एंड अगेन किया और इन्होंने ये पाया कि जो कैट है वो अब खाने को बहुत जल्दी जल्दी खाने को खा रही है। मीन जो उसे फर्स्ट टाइम में जो टाइम लगा था, सेकंड टाइम में उससे कम टाइम लगा, थर्ड टाइम में बहुत कम टाइम लगा, और एक वक्त ऐसा आया कि उस कैट ने फिश को सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर ही जाके खा लिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अगर वो लैच को पुश करेगी वो तभी खुलेगा उसका गेट। तो इट मीन्स नाउ कैट अंडरस्टूड व्हाट शी हैज़ टू एग्जैक्टली डू फॉर गेटिंग द फूड। यानी कि उसे ये चीज़ पता चल चुका था कि वो क्या करेगी तब जाके उसे खाना मिलेगा। सो ये था हमारा थॉर्नडाइक जी का जो थ्योरी थी, ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको कहानी पसंद आ रही है और आपको पूरी थ्योरी देखनी, पूरा आपको इनका जो लर्निंग का थ्योरी है वो आपको देखना है, तो लास्ट तक हमारे चैनल से बने रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक प्रोपोंडेड द टू लॉज। यानी कि इस लॉ के हिसाब से उन्होंने दो नए लॉज को हमसे इंट्रोड्यूस कराया है। तो फर्स्ट लॉ था वो था मेन लॉ, और सेकंड था अल्टरनेटिव लॉ। तो मेन लॉ और अल्टरनेटिव लॉज में देखते हैं हमें क्या फ़र्क था। जो मेन लॉज थे, मेन लॉज हैज़ थ्री पार्ट, जिसके जो थे इसके थ्री पार्ट थे, इसके हमारे पास है थ्री पार्ट। ये थ्री पार्ट देखते हैं, जो फर्स्ट वन है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस, और दूसरा है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, और थर्ड वन है लॉ ऑफ इफेक्ट। जी हाँ, थॉर्नडाइक जी ने मेन लॉ में हमें इसके तीन सब पार्ट्स बताए थे, जो हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो एक बार हम लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो दिस लॉ इज इंडिकेटिव ऑफ लर्नर्स स्टेट ऑफ पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस, एंड रेडीनेस अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक इज प्रिपरेशन फॉर एक्शन एंड इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर लर्निंग। यानी कि जो रेडीनेस है वो है किसी चीज़ को लेके रेडी होना, किसी चीज़ को लेके ऑलरेडी हम एक्टिव हैं या नहीं, हम कितना प्रिपेयर हैं, वो चीज़ रेडीनेस है। और अगर हम बात करें थॉर्नडाइक के हिसाब से, तो थॉर्नडाइक जी ने भी यही चीज़ बोला है कि प्रिपरेशन फॉर एक्शन इज रेडीनेस। किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो आप कितना प्रिपेयर हैं उस एक्शन के लिए, दैट्स कॉल्ड रेडीनेस। एंड आई हैव चूजन अ एग्जाम्पल, एक बार इस एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। वी कैन फोर्स अ स्टूडेंट टिल द गेट ऑफ अ स्कूल बट कांट फोर्स फॉर स्टडी। आपका मान लीजिए एक बच्चा है, आज वो स्कूल नहीं जाना चाहता, बट आप बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बन के उसको स्कूल के गेट तक तो छोड़ आएंगे कि तुझे जाना पड़ेगा वरना मार पड़ेगी, या तुझे चॉकलेट नहीं मिलेगा या पिज्ज़ा नहीं मिलेगा। आप ऐसा करके उस बच्चे को स्कूल के गेट तक तो छोड़ सकते हैं, बट उसे पढ़ने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो अंदर से ही रेडी नहीं है तो कहाँ से पढ़ाई करेगा।
और सेम हम एक घोड़े के लिए कर सकते हैं। घोड़ा रेस तो बहुत अच्छी लगाता है, बट मान लीजिए आप एक घोड़े को अस्तबल से लेके आते हैं और अस्तबल से उसे लाके सोच रहे कि आप घोड़े को नहला दे, आप उसे पानी के तालाब तक ले जा सकते हैं, बट घोड़े को आप नहला नहीं सकते जब तक घोड़ा खुद रेडी नहीं होगा। तो ये था एग्जाम्पल लॉ ऑफ रेडीनेस का। अब देखते हैं हम अपना अगला जो था लॉ मेन लॉज के, वो है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एज इट्स नेम इज टेलिंग वी आर फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिस ऑफ समथिंग एंड इफ वी नॉट प्रैक्टिस ऑफ एनी थिंग ऑन रेगुलर बेसिस देन वी कांट फॉरगेट वी कैन फॉरगेट इट इन लाइफ बट इफ वी पॉज देन वी विल फॉरगेट ईजली। यानी कि अगर हम कोई काम है उस काम को हम अगर रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो हम उसे वी कांट फॉरगेट इन लाइफ, मतलब उसको हम अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं सकते, बट अगर उसी काम को हमने छोड़ दिया, पॉज कर दिया उसे हम, तो वी विल फॉरगेट इट ईजली। तो जो लॉ ऑफ प्रैक्टिस है वो यही कहता है कि अगर हम किसी काम को रेगुलर बेसिस पे करें तो हम ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते और वो हमें बहुत ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट रहेंगे उस चीज़ को लेके, बट अगर हम उसको छोड़ देंगे तो हम भूल जाएंगे। तो इसका भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, अ गुड मैथमेटिक्स स्टूडेंट कैन ऑल्सो फॉरगेट द कॉन्सेप्ट वाइल ही डजेंट डू प्रैक्टिस रेगुलरली। यानी कि अगर एक मैथ का स्टूडेंट है, अगर वो मैथ का स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पे मैथ की स्टडी नहीं करता तो वो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट को भूल जाएगा। कितना भी हो वो होनहार बच्चा हो, लेकिन अगर वो डेली बेसिस पे उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो भूल ही जाएगा। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस यही कहता है। और देखते हैं हम अगला अपना जो लॉ है, तो ये लॉ है द लॉ ऑफ सॉरी जो लॉ ऑफ प्रैक्टिस है इसके दो सब पार्ट्स भी हैं, आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है लॉ ऑफ यूज़ एंड सेकेंड वन है द लॉ ऑफ डिसयूज। ये कई बार सीटेट के क्वेश्चन में आया है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं इसको कि जो लॉ ऑफ प्रैक्टिस है इसके टू पार्ट्स हैं। तो अगर वो पूछता है कभी एग्जामिनर कि लॉ ऑफ प्रैक्टिस के कितने सब पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, तो आप बता सकते हैं टू। अगर कई बार नाम आता तो आपको नाम भी पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस हमारा हो चुका है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट है वो है द लॉ ऑफ इफेक्ट। तो अब इफ़ेक्ट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ना, तो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड एंड इफ समवन लव्स एनी वर्क देन ही विल डू अगेन एंड अगेन बट इफ ही डज नॉट लाइक एनी वर्क देन ही विल नेवर टेक इंटरेस्ट टू डू। यानी कि मान के चलिए एक बच्चा है, वो बच्चा अगर उसे कोई काम बहुत पसंद आता है तो उस काम को वो रेगुलर बेसिस पे करेगा, बट अगर कोई काम उसे पसंद नहीं आता, जैसे कि स्टडी की बात कर लेते हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाई बहुत कम पसंद होती है, तो वो उस चीज़ को नहीं करेगा, बट खेलने के लिए बोल दे तो बच्चा बहुत खेलेगा। तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैंने अपने कॉलेज के एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया है जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता है, राम नाम है। तो राम नेवर लाइक टू कुक द फूड बट ही लव्स टू डू पेंटिंग एंड आर्ट वर्क। राम की जो पेंटिंग है बहुत अच्छी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी पेंटिंग करता है वो, लेकिन अगर राम को खाना बनाने के लिए बोल दो तो उसे कुकिंग नहीं आती। तो जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो यही चीज़ बताता है कि अगर किसी बच्चे को कोई काम पसंद आ रहा है तो वो काम वो हमेशा करना चाहेगा, लेकिन अगर वो काम उसे पसंद नहीं आता तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो उस काम को नहीं करना चाहेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी जो हमने डिस्कस किया, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, उसके तीन टॉपिक्स जो हैं मेन लॉज के जो हैं थ्री पार्ट्स थे, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो आई होप तीनों आपको समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसके आगे वाला जो हमारा अल्टरनेटिव लॉज ऑफ लर्निंग है, अल्टरनेटिव यानी कि जो अलग से है। तो अल्टरनेटिव लॉज के अब मैंने चार उठाए हैं लॉ। जो फर्स्ट वन है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज ऑफ वैलिड रिएक्शंस, एंड सेकेंड है लॉ ऑफ एटीट्यूड, थर्ड वन है लॉ ऑफ एनालॉजी, फोर्थ वन है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एक बार हम फर्स्ट वन देख लेते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज ऑफ वैलिड रिएक्शंस, यानी कि जो अल्टरनेटिव का फर्स्ट वन था उसे डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो इसका जो डेफिनेशन है वो एक बार देखते हैं हम। द लॉ इम्प्लाइज दैट व्हेन एन इंडिविजुअल इज कन्फ्रंटेड विद अ न्यू सिचुएशन ही रिस्पॉन्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज बिफोर अराइविंग एट द करेक्ट रिस्पॉन्सेज। एक बच्चा है, एक टीचर उसको पढ़ा रहा क्लास के अंदर, बट वो लर्निंग जो भी टीचर लर्न करा रहा है उस बच्चे को अगर एक बार समझ नहीं आया, दो बार समझ नहीं आया और टीचर उससे पूछता है, तो बच्चा अगर लर्निंग फेस में है, वो सीख रहा है चीज़ों को, तो वो एक बार में ऐसा नहीं होगा कि वो एग्जैक्ट जो आंसर है वो चीज़ को दे पाएगा।
तो बच्चा पहले मल्टीपल रिस्पॉन्सेज देगा, कई सारे रिस्पॉन्स देगा, कई उसके आसपास भी चीज़ें देगा। अब हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि ये हमारा गोल है, तो बच्चा इसके आसपास इसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा, ऐसा हमारी साक्षी मैम कहती हैं, उन्होंने हमें समझाया था ये, मैंने साक्षी मैम से ही सीखा था इसके बारे में। तो मैम का भी यही कहना था कि अगर किसी बच्चे को हम कुछ सिखा रहे हैं तो स्टार्टिंग में अगर वो सीख रहा है, उसको समझ नहीं आया, तो मान के चलिए ये हम पढ़ा रहे हैं उसे, तो वो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी कि उसके आसपास की चीज़ें बता रहा है, तो टीचर को उसे कभी नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, टीचर को उसकी हेल्प करना चाहिए जब तक वो हमें करेक्ट रिस्पॉन्स ना दे दे, टीचर को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि हमारी साक्षी मैम हमें बहुत करती है। अब अगला देख लेते हैं, अगला है द लॉ ऑफ एटीट्यूड। तो जो लॉ ऑफ एटीट्यूड है वो है लर्निंग इज गाइडेड बाई अ टोटल एटीट्यूड और सेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द लर्नर परफॉर्म्स द टास्क प्रॉपरली इफ ही हैज डेवलप्ड अ हेल्दी एटीट्यूड टूवर्ड्स द टास्क। अब एक टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रहा है, अगर टीचर ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया तो बच्चों में जो एटीट्यूड होगा वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, बट अगर टीचर ने डांट डांट के पढ़ाया, ढंग से समझा नहीं पाया, यानी कि जो लर्निंग हुई वो फुलफिल नहीं हुई, वो टीचर की ही गलती की वजह से नहीं हो सकता, हो सकता है उस बच्चे के फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है, तो बच्चे की जो लर्निंग है वो फुलफिल नहीं हुई, तो उस बच्चे के अंदर एक हेल्दी जो एटीट्यूड होगा वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो अब यही है लॉ ऑफ एटीट्यूड, यही कहता है कि बच्चा जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और प्रॉपरली परफॉर्म करेगा अगर वो उस टास्क को लेके जो उसका पॉजिटिव और हेल्दी अगर एटीट्यूड है तो। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट, जो हमारा अल्टरनेटिव लॉज का जो थर्ड है वो है लॉ ऑफ एनालॉजी। तो एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्सेज मेड बाई हिम इन सिमिलर सिचुएशन इन द पास्ट एंड ही मेक्स रिस्पॉन्सेज बाई कंपेरिजन और एनोलॉजी। यानी कि एक जो बच्चा है, अगर वो कोई चीज़ सीख रहा है और वो अगर उसकी पीके टेस्टिंग यानी कि प्रीवियस नॉलेज से बेस्ड है, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएगा, और वो जो रिस्पॉन्स हमें रिस्पॉन्स देगा ना, वो जो उसका जो सिमिलर सिचुएशन है यानी कि पहले उन चीज़ों से वो सीख चुका है पास्ट में, वो उनके बेसिस पे ही न्यू लर्निंग को कर पाएगा। अब मान लीजिए हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं ईवीएस का, आर इन्वायरमेंट, और हमने पेड़ पौधों के बारे में बताया, घर के बारे में बताया, तो हम बच्चों को ये चीज़ बोल सकते हैं कि आप अपने घर से आते हो तो आपने कई सारे पेड़ देखे होंगे, कई घर देखे होंगे, तो बच्चा जो बच्चे के मन में एक जो इमेजिनेशन बनती है वो बहुत सॉलिड इमेजिनेशन बनती है, और वो जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे से फुलफिल हो जाती है, और उस बच्चे को बहुत अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट और आई थिंक इसका अल्टरनेटिव का ये फोर्थ वन है, लास्ट है ये, तो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एक बार इसकी हम इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं, वो है द स्टेटमेंट ऑफ लॉ रन्स एज वी कैन गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द लर्नर ऑफ विच ही इज कैपेबल एसोसिएटेड विद एनी सिचुएशन टू विच ही इज सेंसिटिव। इसका दूसरा भी देख लेते हैं, इन अदर वर्ड्स एनी रिस्पॉन्स विच इज पॉसिबल कैन बी लिंक्ड विद द स्टिमुलस। इट मीन्स इफ अ टीचर इज टीचिंग इन द क्लास रूम एंड टीचर एंड स्टूडेंट इज गिविंग सम एंसर्स विच इज यू नो एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्ट हो सकता है, तो टीचर को उसको नलीफाई नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं उसे सीख के और जो उसका जो थोड़ा सा रिस्पॉन्स अभी कहीं ना कहीं लिंक करता है, या अगर वो गलत बता रहा है तब भी हम उसको सही करेंगे एक पॉजिटिव वे में, तो बच्चे के अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड गेन करेगा। तो सेम चीज़ यही करना है हमारी जो हमें साइकोलॉजी पढ़ाते थे, शी वॉज नमिता गुणवंत मैम, उन्होंने भी हमें यही चीज़ बताया था, अगर हम कोई उन्हें कोई रिस्पॉन्स देते थे, अगर कोई क्वेश्चन मैम पूछते थे, अगर हम थोड़ा मिलता जुलता भी मैम को हम आंसर देते थे, तो शी वॉज एक्सेप्टिंग। तो वही सेम चीज़ कि अगर एक बच्चा आपको रिस्पॉन्स दे रहा है इन अदर वर्ड्स, और वो पॉसिबल है कि वो लिंक किया जा सकता है, जो टॉपिक है, जो आप स्टिमुलस है, अगर उससे लिंक किया जा सकता है देन एक्सेप्ट इट। तो ये जो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है ये यही बताती है हमें। अब देखते हैं हम कि इसका जो एडुकेशनल इम्प्लीकेशन है, जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, इससे क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, एक बार इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो पहला है एजुकेशन इम्प्लीकेशन, वो है इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द मेन टास्क ऑफ द टीचर इज टू सी व्हाट थिंग्स ही लाइक्स टू बी रिमेम्बर्ड और फॉरगेटन बाय हिज स्टूडेंट्स। यानी कि एक टीचर है, अगर वो क्लासरूम में पढ़ा रहा है, तो उसे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उस टीचर को याद रखनी चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उस बच्चे के बारे में भूलना चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है, ऑब्वियसली क्लासरूम में एक टीचर को पता होता है कि उसकी क्लास में बच्चे कैसे हैं, मीन्स वो बच्चा कौन सा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है,
तो टीचर को इस चीज़ को अपने माइंड में रखना चाहिए कि वो किस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है और किस चीज़ को नहीं, यानी कि जो चीज़ें भूलने लायक है वो चीज़ें भूल सकता है और जो चीज़ें यहाँ है कि हाँ बच्चा काफ़ी ज़्यादा अभी मेहनत कर रहा है। यानी कई बार होता है कि टीचर, कई सारे बच्चे टीचर्स को लाइक नहीं करते, बट कई ऐसा वक्त आता है कि जब टीचर उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है, उनके साथ घुल मिल जाता है और बच्चों को अच्छी तरह समझाता है, तो वो टीचर का फेवरेट हो जाता है और टीचर भी उसका फेवरेट हो जाता है और बच्चा हमेशा यही चाहता है कि ये जो टीचर है हमारे, ये पेरेंट्स से बढ़ के हैं। और एक चीज़ तो हम सबको पता है कि स्टूडेंट्स हमेशा एक टीचर को अपने पेरेंट्स से बढ़ के मानते हैं, और अगर कल को एक टीचर ने कोई चीज़ बताया और टीचर ने गलत बता दिया और उस वो पेरेंट्स अगर उसके बेशक सही बताएं तो वो बच्चा बोलता है नहीं आप गलत हो, मेरा टीचर ही सही है। तो वही चीज़ है कि बच्चे टीचर को ये चीज़ भूल जाना चाहिए, अगर कोई बच्चे के बारे में, बच्चे ने कभी उनके बारे में कुछ गलत बोला या कुछ भी ऐसा है, तो टीचर को भूल जाना चाहिए और जो रिमेंबर रखने वाली चीज़ें हैं यानी कि जो याद रख सकते हैं सिर्फ उसे ही टीचर को याद रखना चाहिए। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट इम्प्लीकेशन वो है द चाइल्ड मस्ट बी मेड रेडी टू लर्न, हिज इंटरेस्ट एटीट्यूड एंड मेंटल प्रिपरेशन इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ सेलिंग। यानी कि जो टीचर, जो बच्चा है, चाइल्ड मस्ट बी मेड रेडी टू लर्न, टीचर को एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए यानी कि ऐसा लर्निंग कराना चाहिए कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है यानी कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है, उसका एटीट्यूड है, मेंटल प्रिपरेशन है, वो बिल्कुल रेडी हो, वो सीखने के लिए रेडी हो। ये नहीं हो कि बच्चे को ज़बरदस्ती क्लास में लिया है, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, वो बैठा क्लासरूम में और उसके दिमाग में बिरयानी चल रही है खाने के लिए, तो ऐसा ना हो। बच्चा बिल्कुल प्रॉपर लर्निंग करे, पूरी चीज़ें सीखे, तो इस चीज़ के लिए टीचर को ही करना पड़ेगा, टीचर को ऐसे मेथड्स, ऐसे टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे कि बच्चा अपने आप उसकी टीचिंग में इंटरेस्ट लेने लग जाए। अगला देखते हैं हम, लर्निंग शुड बी रिलेटेड टू प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। जो लर्निंग है वो लर्निंग हमेशा पीके, जो हम पीके टेस्टिंग कराते हैं जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं, तो जो लर्निंग है वो प्रीवियस नॉलेज से हमारे बेस्ड होनी चाहिए। अगर वो प्रीवियस नॉलेज से बेस्ड होगी तो वो काफ़ी अच्छी लर्निंग होगी। और प्रीवियस नॉलेज से याद आया, लर्नर्स अगर आपको लेसन प्लान का फॉर्मेट चाहिए तो हमारा एक और चैनल है, मैं उसके उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जो लेसन प्लान है इसका आपको सारा स्टेप मिल जाए कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, तो मैं इस वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा अगला है इम्प्लीकेशन, यानी कि जो फोर्थ इम्प्लीकेशन है वो है टीचर शुड इनकरेज द वर्क ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट दे गेट मोटिवेटेड। यानी कि जो बच्चा काम कर रहा है उस काम को टीचर को इनकरेज करना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, सो दैट स्टूडेंट और ज़्यादा इंटरेस्ट ले, वो मोटिवेटेड हो उस चीज़ से, उस चीज़ को लर्न करे बेटर वे में। तो एक टीचर को इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों को कभी डिमोटिवेट ना करे, उसके काम की हमेशा सराहना करे कि बच्चे काफ़ी अच्छे से सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ और ये क्वेश्चंस इसी पे बेस हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट में दे दें, और आप नहीं दे पाते तो मेरे पास एक और आइडिया है जो अभी नहीं बताऊँगा, वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो अभी के लिए एक बार हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस को एक बार हम कोशिश करेंगे डिस्कस भी कर लें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हुज थ्योरी वी वर डिस्कसिंग, ऑब्वियसली बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी हम जो थ्योरी डिस्कस कर रहे थे ये थ्योरी थी हमारे थॉर्नडाइक सर की, तो ये थॉर्नडाइक सर की थ्योरी थी। अगर हम थॉर्नडाइक सर के पूरे नाम की बात करें तो आप लोगों को सर का पूरा नाम बताना पड़ेगा, सर का पूरा नाम आप बताइए। सर का पूरा नाम एडवर्ड्स एल थॉर्नडाइक रहेगा, एडवर्ड्स एल थॉर्नडाइक, तो ये हमारे सर का नाम है, ये क्वेश्चन से हटके था। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, थॉर्नडाइक हैज गिवन द थ्योरी ऑफ, थॉर्नडाइक सर ने किसकी थ्योरी दी है, तो इसका आंसर भी आप एक बार कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, पहले का तो मैंने बता दिया। और थर्ड है ऑन विच एनिमल थॉर्नडाइक डिड द एक्सपेरिमेंट, यानी कि इस थ्योरी की बात हो रही है। वैसे तो उन्होंने तीन जानवरों पे किया था, चिकन पे किया था, उन्होंने रैट्स पे भी किए थे, कैट्स पे भी किए हैं, तो अभी पर्टिकुलर इस थ्योरी की बात हो रही कि ऑन विच एनिमल थॉर्नडाइक डिड द एक्सपेरिमेंट। उसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है व्हाट इज रेडीनेस, रेडीनेस के बारे में भी मैंने आपको पूरा बिल्कुल प्रॉपर वे में बताया था, तो आपको ये क्वेश्चन भी करना है कि व्हाट इज रेडीनेस। आफ्टर दैट हम देख लेते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, टेल अबाउट एनी टू एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अभी हमने 4 से 5 इम्प्लीकेशंस को डिस्कस किया है, इनमें से किसी 2 इम्प्लीकेशन के बारे में बताना है आपको। आप अगर आपने नोट किया है तो आपको बहुत अच्छी बात है, आपको याद होगा,
या फिर आप इसे मुझे बताएंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही थे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक आ वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल, इससे कि कई और लर्नर्स को समझ में आए। तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी हम्बल, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव यही है, वो आपको तो मेरे चैनल से ही, हमारे चैनल से ही पता चल रहा है कि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो हमें पूरी इंडिया को पढ़ाना है, जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या जो भी किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे DCHSB हो गया, KVS की, तो ये सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और आपके लिए एक सरप्राइज़ था, मैंने लास्ट में बोला था कि अगर आप आंसर्स नहीं बता पाते, तो मैंने बताया ही था कि आंसर्स का मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए आंसर भी लाया हूँ। तो जो पहले का आंसर था, फर्स्ट का, वो था थॉर्नडाइक, जो थ्योरी थी वो थॉर्नडाइक जी की थ्योरी थी। और उसके बाद वाला जो हमारा क्वेश्चन था कि थॉर्नडाइक जी ने किस चीज़ की थ्योरी दी थी, तो उन्होंने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी है। और जो थर्ड क्वेश्चन था कि इन्होंने किस एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया, तो जो एनिमल था वो था कैट, जिन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। एंड जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था वो था कि रेडीनेस क्या होता है। तो रेडीनेस देख लीजिए आप, दिस लॉ इज इंडिकेटिव ऑफ लर्नर स्टेट ऑफ पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो बच्चा है वो किसी अगर लर्निंग के लिए रेडी हो रहा है तो वो कितना रेडी है, उसका वो जो उसका जो रिएक्शन है वो एक्शन के लिए कितना ज़्यादा रिएक्शन है, कितना ज़्यादा प्रिपेयर है वो, तो ये मैटर करता है। और ये अगर लर्निंग की बात करें तो लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। हम मैंने इसके एक एग्जांपल भी लिए हैं, वी कैन फोर्स अ स्टूडेंट इन द गेट ऑफ द स्कूल, यानी कि एक बच्चे को हम गेट के स्कूल तक, स्कूल के गेट तक तो छोड़ सकते हैं, सॉरी गेट के स्कूल तक तो नहीं छोड़ेंगे, स्कूल के गेट तक हम छोड़ सकते हैं, बट उस बच्चे को हम पढ़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकते जब तक वो खुद रेडी ना हो। तो चौथे का ये था। अब लास्ट एक बार देख लेते हैं जो दो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस थे। तो पहले का है, लर्निंग शुड बी रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज, यानी कि जो लर्निंग हो रही है वो अगर हमारी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है तो बहुत अच्छी लर्निंग होगी, बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो दूसरा था वो था, टीचर शुड इनकरेज द वर्क ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट दे गेट मोटिवेटेड, यानी कि जो टीचर है उस टीचर को बच्चों के काम की सराहना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे कि बच्चा मोटिवेटेड हो और वो लर्निंग के लिए और रेडी हो। जो अगला आप कॉन्सेप्ट दें, जो भी टास्क दें आप, बच्चा उसमें काफ़ी अच्छे से एक्टिव रहे और उसको बेटर वे में कर पाए। तो आज के लिए इतना ही था, मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप तब तक आप अच्छे रहेंगे।